हेलो गाइस, हाय, मैं हूं राहुल सोनी और आपका फिर से स्वागत है रियल्टी गुरुजी में। आज हम विजिट करने हैं वाटिका इंडिया नेक्स्ट के 240sqyard सिंपलेक्स विला को। वैसे तो वाटिका बिल्डर ने वाटिका इंडिया नेक्स्ट 700 एकड़ की टाउनशिप बना रखी है। इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी यहां दे चुका हूं, मेरी पुरानी एक वीडियो में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और विला में उन्होंने यहाँ ऑप्शन बनाए हैं 240sqyard सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स, 360sqyard में सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, 400sqyard में ड्यूप्लेक्स। तो आज हम जो विजिट करने वाले हैं वो है 240sqyard का सिंप्लेक्स। ये है 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टोर रूम, 1550 स्क्वायर फीट का इसमें कारपेट एरिया है। तो आइए चलिए वीडियो को देखते हैं और देखते हैं विला कैसा बना है। चलिए, वाटिका सिग्नेचर विलाज जो है वो सेक्टर 82 में लोकेटेड है। ये पार्ट है 700 एकड़ टाउनशिप का और जिसको हम वाटिका इंडिया नेक्स्ट बोलते हैं। सो फाइनली वी आर एट सिग्नेचर विलाज। इट्स गेटेड कम्युनिटी ऑफ 50 एकड़, जो कि 1 किलोमीटर एनएचएड से और 700 मीटर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के विलास मिल जाएंगे, मैं जिसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पेशली सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। एक विला का दूसरा विला से डिस्टेंस काफ़ी है। चलिए फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं अपने विला पर। दिस इज 240sqyard सिंप्लेक्स। फ्रंट साइड पर लॉन है, ये इसका प्रोफाइल है फ्रंट से। अब लोग हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। जब भी हम एंट्री करेंगे तो राइट साइड पे सबसे पहले इस तरफ स्टेयर्स दिखेगी ऊपर जाने के लिए, और हम लोगों ने एंट्री किया यहाँ पे विला में। एंट्री होने पे राइट साइड पे है डाइनिंग एरिया, 9.5 का इसका हाइट है। ड्राइंग एरिया जो ऑलमोस्ट है 24x12, पूरा प्रोफाइल दिख रहा होगा। लेट्स एंटर इन फर्स्ट रूम। 12x14 का ये रूम है जिसके साथ वॉशरूम कॉमन है, और यहां से एक्सेस ही है। आपने देखा था जो गेट है वो इसका फ्रंट जो लोन है उससे डायरेक्ट इसका एक्सेस है। नाउ वी आर गोइंग टू किचन। किचन कंपनी की तरफ से आपको ये मॉड्यूलर नहीं मिलेगा, ये हमारे कोई क्लाइंट हैं, उन्होंने ये पूरा फर्निश कराया हुआ है। आपको रॉ स्लैब मिलता है, रॉ प्रॉपर्टी मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एसी लगे होंगे अपार्टमेंट में, विला में। अभी चलते हैं पीछे की तरफ। इसका एक्सेस है पीछे लॉन में, ये है बैक साइड लॉन, इट्स वेरी स्पेशियस। आप इसको चाहें तो शेड से कवर भी कर सकते हैं या अपने ग्रिल से भी कवर कर सकते हैं। मुझे बस यहाँ एक छोटी सी कमी नजर आती है कि वाटिका अगर चाहती तो आउटर फिनिशिंग थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। वॉशिंग एरिया जो कि किचन के साथ कनेक्टेड है, जो मैंने रास्ता अभी दिखाया था आपको। नाउ वी आर गोइंग इन कॉमन वॉशरूम। इस पर्टिकुलर विला में थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई थी, बट फिर भी मैंने इसमें वीडियो बना लिया, कभी आपको दिखे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। ये सेकंड बेडरूम है और इसके साथ वॉशरूम अटैच है। अगेन ये तकरीबन आप लगा के चले 13x14 का ये साइज है। कंपनी ने यहाँ पे हर रूम में वुडन फ्लोरिंग फिट करके दी है। ये है सेकंड रूम के साथ अटैच वॉशरूम। कंपनी ने इसका लेआउट बहुत अच्छा डिज़ाइन कराया है, क्योंकि देखिए आप पीछे दोनों रूम हैं जो उसका डायरेक्ट एक्सेस है लॉन में। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एंड लास्ट रूम मास्टर बेडरूम की। इट्स वेरी स्पेशियस। 14x13 इसका साइज है। इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। रूम इज वेरी स्पेशियस। यहाँ पे भी लगता है वैसे कि वाटिका चाहती तो थोड़ा बहुत और कंस्ट्रक्शन इसमें बेटर कर सकती थी। वॉशरूम में सिमिलरली फिटिंग फिक्चर्स आपको मिलती है। नाउ वी आर गोइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये है इसका रूफ, सारा ओपन है। आप चाहें तो इसमें और बिल्डिंग ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट से आपको पास कराना होगा। वैसे नए रूल आ गए हैं अभी जिसमें आप चाहें तो स्टिल पार्किंग रखे, इसको दोबारा से डिमोलिश करके स्टिल पार्किंग करके फोर्थ फ्लोर बना सकते हैं।
गाइस आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।